दोस्तों मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों फार्म की साफ सफाई किस प्रकार से करें हम उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये जो फाल सीलिंग है उसको हम पहले तो वहीं से धोना शुरू करें, एक तरफ से पहले ऊपर का हिस्सा पोर्शन पूरा धो दें और उसके बाद में जो पानी जो आएगा तो नीचे ही लास्ट में, तो उसके साथ जो फार्म जो है गीला भी हो जाएगा, उसको 24 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। जब नेक्स्ट डे हम धोएंगे तो जो भी जो डस्ट जैसे जो चिपक गई है, जो जीती डस्ट जो है वो बुरादा जो नहीं निकल रहा है वो गीला हो जाएगा, और गीला होने के बाद में फिर पूरी तरीके से निकल जाएगा, वो बिना मेहनत के निकल जाएगा। ऐसे में हमको फिर जो है रगड़ के ब्रश से धोना पड़ेगा, और अगर हम इसे ऊपर पहले धोते हैं उसके बाद में जो गीला पोर्शन जो नीचे हो जाएगा वो फिर नेक्स्ट डे जब हम धोएंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों धोने का जो तरीका है वो इस प्रकार से धोएं, और फाल सीलिंग का ये सबसे अच्छा फ़ायदा है कि फाल सीलिंग को हम आसानी से धो सकते हैं। ये आप देख लीजिए, अगर ये ओपन शेड होता तो ऊपर का हिस्सा हम इतनी ऊपर पाइप से नहीं धोते, तो उसके कारण जो फार्म की जो साफ सफाई है उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। और फाल सीलिंग जो, क्योंकि ये फार्म पूरा पैक ही है और हमारी पहुंच में है, क्योंकि फार्म की हाइट अगर ज़्यादा रहती है फिर हम वहाँ पे जो है हमको धोने में समस्या आती है। अब ये फार्म की जो है पूरा कॉम्पैक्ट हो गया, साइज छोटा हो गया, और साइज छोटा होने के कारण उनको धोने में आसानी है। दोस्तों इस प्रकार से हम धो सकते हैं, आप देख सकते हैं। यह है मेरी कूलिंग पैड की टंकी, इसको अब मैं दो प्रकार से उपयोग करता हूँ, कूलिंग पैड पे पानी चलाने के लिए भी और फार्म धोने के लिए भी, आप देख सकते हैं। तो जब भी दोस्तों इसी फार्मिंग का आप सोच रहे हो तो कूलिंग पैड की टंकी फार्म के अंदर चाहे नहीं बनाए तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में बाहर जगह नहीं थी इसके कारण जो मैंने उसको फार्म के अंदर टंकी को बनाया, किंतु अगर आपके पास बाहर हो तो फार्म के बिल्कुल जस्ट पास में ही बनाएं, जहाँ पे कूलिंग पैड का पानी आके इकट्ठा हो सके, थोड़ा ढलान हो वहाँ पे, और वहीं पे आप टंकी का निर्माण करवाएं, और इस प्रकार से निर्माण करवाएं कि इसका दो प्रकार से आप उपयोग कर सकें, एक तो फार्म धोने में यूज़ कर सकें और कूलिंग पैड की के ऊपर पानी चलाने में यूज़ कर सकें। क्योंकि कूलिंग पैड की जो टंकी जो बनती है इसमें इसके निर्माण में खर्चा ज़्यादा आता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसका हम दो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें। जो भी चीज़ आप पोल्ट्री फार्मिंग में लगाएं उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किस प्रकार से आप कर सकते हैं, उस प्रकार से आप खुद ही मैनेज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम इसका डबल यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये पानी की जो लाइन है इसमें से पानी कंटिन्यू बाहर निकल रहा है, इसमें पानी भर दिया टंकी में, जो 1000 लीटर की जो टंकी ऊपर रखी हुई है उसमें पानी भर दिया और वाल खोल दिया ड्रेन वाल, तो उसके अंदर जो भी पुरानी जो भी इमरीज जो बची हुई है, जो भी जम्स वगैरह जो बचे हुए वो पानी के साथ में बाहर आ जाएंगे। उसके बाद में फिर मैं रात में इसमें 5% जो है दवाई है एक्वामैक्स जो है पाइपलाइन क्लीनिंग के लिए जो मेडिसिन जो आती है उसको डाल दूंगा, और 24 घंटे के लिए उसको छोड़ दूंगा, और 24 घंटे के बाद में फिर ड्रेन कर दूंगा, उसके बाद में फिर उसमें फ्रेश पानी डाल के और फिर ड्रेन कर दूंगा, बस ये इतने में पाइपलाइन क्लीनिंग हो जाएगी। तो इसके कारण जो बीमारी जो सबसे बड़ी जो समस्या जो है वो ईकोलाई की जो समस्या है इस फार्म में कभी नहीं आती। अगर इस प्रकार से आप भी करेंगे तो आपको भी इस प्रकार से समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद दोस्तों।